किसान एकता संघ ने राम गंगा बैराज बरेली बदायूं सिंचाई परियोजना को शीघ्र निर्माण की मांग की। किसान एकता संघ का प्रतिनिधि मंडल किसान नेता डॉक्टर रवि नागर के नेतृत्व में राम गंगा बैराज बरेली बदायूं सिंचाई परियोजना के शीघ्र निर्माण को लेकर अधिशासी अभियंता नीरज कुमार लांबा से मिला और ज्ञापन प्रेषित कर शीघ्र कार्य को प्रारंभ करने की चेतावनी दी। किसान नेता डॉक्टर रवि नागर ने कहा कि इस बहुयामी परियोजना के लिए किसान एकता संघ के पदाधिकारियों ने गंगा जल लेकर शपथ ली। इसके लिए किसान एकता मंच संघ इसे प्रारंभ कराकर ही दम लेगा। उन्होंने बताया कि शीघ्र से शीघ्र ही इस संबंध में इस परियोजना के मुख्य अभियंता जो कि मुरादाबाद में बैठे हैं, अगर इनको गंभीरता से नहीं लिया गया तो किसान एकता संघ किसानों को। रविनगर जी, आज जो आए हैं, क्या मामला है? देखिए, पहले भी आप लोगों ने देखा कि बरेली सिंचाई परियोजना के नाम से जो बरेली में ये परियोजना चल रही है, राम गंगा जी पर जो बैराज बना हुआ है, जिसको लेकर बरेली और बदायूं के किसानों को बहुत ही उम्मीद और आशा थी कि जब ये परियोजना चालू हो जाएगी तो किसानों को बहुत बड़ा लाभ पहुंचेगा। लेकिन 2014 से ये परियोजना शुरू हुई और आज 24 ख़त्म होने जा रही है, ये परियोजना आज भी अधर में लटकी हुई है। इसको लेकर किसान एकता संघ ने पिछले दिनों राम गंगा बैराज पे जाकर राम गंगा जी का जल हाथ में लेकर कसम खाई थी कि इस किसान बहुयामी परियोजना के लिए किसान एकता संघ का एक एक पदाधिकारी जब तक ये परियोजना पूर्ण नहीं होगी वो आराम से बैठेगा नहीं, धरने आंदोलन और संघर्ष के रास्ते पर रहेगा। इसी को लेकर लगभग 2 महीने पहले हमने अधिशासी अभियंता जी को ज्ञापन दिया और मांग की कि शीघ्र से शीघ्र इस परियोजना को चालू किया जाना चाहिए, पूर्ण किया जाना चाहिए। जहां पर कोई परेशानी या समस्या किसानों की तरफ से है उसको दूर कराने का काम हम करेंगे। इसी को लेकर आज फिर हम अधिशासी अभियंता जी के यहां आए हैं और मांग की है कि आखिर क्या समस्या है, क्या परेशानी है, कहां पर ये परियोजना अटकी हुई है। उसी के विषय में अभी जो अधिशासी अभियंता लांबा साहब हैं उन्होंने हमें बताया कि इसको लेकर कल दिल्ली में एक मीटिंग भी होने वाली थी। सिंचाई विभाग की तरफ से पूरा प्रयास है उन्होंने बताया है और शीघ्र ही हम इस पर मीटिंग होने वाली है दिल्ली में और कोई सकारात्मक और खुशी का ऐसा संदेश किसानों को मिलने वाला है, अभी लांबा साहब ने हमें बताया है इसी उम्मीद के साथ। लेकिन हम क्योंकि किसानों की पैरवी में हर टाइम खड़े रहते हैं, किसानों को भी हमें जवाब देना होता है, तो हम अभी हमने टाइम दिया है कि हम 10 दिन का टाइम देते हैं। अगर 10 दिन के अंदर इस पर कोई सकारात्मक सूचना या प्रगति संदेश हमें प्राप्त होता है तो ठीक है, अन्यथा 10 दिन बाद किसान एकता संघ 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन लगातार 24 घंटे जैसे हमने और मुद्दों पे किया है, आप लोगों ने देखा है, हम लगातार यहीं तंबू डालकर अपना चूल्हा और चमचा लेकर हम यहीं बैठेंगे और 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे, जिससे सरकार के भी कानों में ये जू रहेंगे कि यहाँ का किसान परेशान है और इस परियोजना के लिए गंभीर है, इसलिए आज हम यहाँ आए हैं। Yeah!